इशूज इन एन इनफॉर्मल रेजोलूशन बिकॉज ऑफ द रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ हरासमेंट इन इंटमिडेशन एथिकल कोर्स अलाउ मेंोप्रिएटनेस ऑफ डीलिंग विद द मैटर डायरेक्टली बहुत सारी आज कल हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसमें हरासमेंट के इंटिमिडेशन के और वायलेंस के ऐसे केसेस दिखाई देते हैं जिसके अंदर हमें चीज़ों को फॉर अप्रपली डील करने की ज़रूरत होती है हाउ एवर If an informal solution seems unlikely and substantial, harm has been already occur or it is likely to be occur, formal action such as contacting a licensing board or ethical committee should be taken. But if a situation ho jati hai, jiske aisa harm already harm dilemma occur, without giving the time for confrontation. We foreign, jo hai wo police, ko, law enforcement agencies. Ko, और ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है जो सिचुएशन को जो है वो लीगली देख सकें लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम ये महसूस करते हैं जैसे भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी कि एक थेरेपिस्ट जो है उसने बच्चों को इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया उसने बच्चों के साथ रिसप्शन में डी ब्रीफिंग नहीं की लेकिन वहाँ भी हमें कोई चार बॉल स्टेशन की रिपोर्ट आती है तो इस सिचुएशन में हम कन्फ्रंटेशन पर नहीं जाएंगे इस सिचुएशन में हम फौरी तौर पर लॉ एंगेजिंग फोर्सेस जो हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे For example, ethical violation often involve colleagues whose conduct and professional judgment are affected by addiction, physical or emotional problems and marital discord. If a colleague seems generally incompetent because of insufficient training or emotional impairment or inform informal intervention, this will not going to resolve the problem. Now we are a situation that an individual jo hai wo direct addicts, is cases violence, वो बेसिकली देख रहा है मैरिटल डिस्कोर्ट के केसेस को लेकिन उसकी कोई सफिशेंट और एम्पल ट्रेनिंग उस एरिया के अंदर नहीं है जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हो रही है क्लाइंट सफर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज नॉट केपेबल अनफ एंड ही इज डूइंग एन अनएथिकल प्रैक्टिस बिसाइड्स हैविंग अ ट्रेनिंग इन द रेलमेंट एरिया सच इंडिविजुअल्स रेयरली हैव इनसाइट इनटू द शॉर्टकमिंग्स एंड कुड कॉज कंसीडरेबल हार्म टू क्लाइंट्स अब इशू क्या होता है कि उन लोगों को ये ही नहीं होती कि वो इतने नॉलेजेबल नहीं है और उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है और उनको ये प्रैक्टिस जो है इस तरह के क्लाइंट्स के साथ नहीं करनी चाहिए और उसकी वजह से उन क्लाइंट्स को कितना ज़्यादा जो है वो हार्म जो है वो पहुंच रहा है हाउ एवर इफ द इमकम्पिटेंट सीम्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल टेक्निक और एप्लीकेशन दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम आइदर रिमीडिएशन और डिसकनटीन्यूशन इनफॉर्मल इंटरवेंशन रिमेंस अ फीजिबल ऑप्शन अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी एक टेक्निक या किसी एक एस्पेक्ट की वजह से कोई ट्रेनिंग में लैक करता है तो वहाँ उसके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो डिसकन्टिन्यू कर दे या वो वहाँ पर रेफरल कर दे रादर देन के वो उस क्लाइंट को लेकर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करता जाए और उसको इन रिटर्न उसको डैमेज करता जाए समाइम्स मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मे बी रिक्वेस्टेड बाई अनदर कोलिग और अ क्लाइंट टू असिस्ट इन कन्फ्रंटिंग और बट द रिक्वेस्टर कुड इंसिस्ट ऑन कैंसिलिंग हिज और हर कंसीलिंग हिज और हर आइडेंटिटी बाज अव ये होता है कि एक सीनियर कॉलीग है वो उसको आके लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दूसरा जो कॉलीग है वो कोई अन ऐथिकल प्रैक्टिस करे आप उससे बात करें आप उसको समझाएं, लेकिन आपने उसको हमारी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करनी लेकिन आ, ये इतना सिंपल नहीं होता ऑफ़न सच पीपल काउंटर अटैक एंड फील इन एडिकुएट टू डिफ़ेंड दम और ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आइडेंटिटीज़ भी रिवील हो जाती हैं कि आपके कंपार्टिटर्स कौन हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको ये कुरेक्टिव एक्शन लेने को कह रहे हैं क्योंकि तो कम्यूनिटी में दिस इज़ द वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल विलेज सो एवरी वन नोज के उसके लिए कौन से लोग उसके कम्पाटिटर्स हैं कौन से लोग उसके उसको चैलेंज दे सकते हैं कौन से उसके फ्रेंड्स हैं तो ये आइडेंटिटी को सीख कर लेना आसान ही होता है अप्रोचिंग कॉलिग्स विद चार्ज इशूज़ बाई अनसिनूजर वेट द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस अब जब ये पता लग जाता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो आपको अगर ये मैसेज किसी सीनियर कॉलीग से दे रहा है कि आपकी प्रैक्टिस अनैतिकल है तो ये बहुत आसान होता है ये जान लेना कि इसके पीछे किसका हाथ होगा क्योंकि हम अपनी कम्यूनिटी में लोगों के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं फर्दर एलिज एलिटर्स ऑफर नो और थिंक दे नो देर एक आइडेंटिटीज एनी जैसे कि मैंने आपको बताया ये जानना बहुत आसान होता है कि कौन सा कॉलीग किस कॉलीग से जो है वो कह सकता है कि तुम इससे मेरे बिहाफ पे बात करो सो दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ वेरी यू नो सिंपल केस जिसमें हम ये कहें कि आपने किसी के साथ कन्फन्ट्रेशन करनी है या आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी बट समाइम्स इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि जब हम इसमें दूसरे पीयर्स को साथ लेके चलते हैं और उनकी हम लोग जो है वो रेफरेंस के साथ बात कर रहे होते हैं तो समाइम्स सिचुएशन इसमें अच्छी और आसान होने की बजाय कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है क्योंकि पर्सनल ड्राइवरीज और पर्सनल जालिसिस जो होती हैं वो भी ऐसी सिचुएशन के अंदर साइड बाई साइड काम कर रही होती हैं